आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। दिव्य दृष्टि संस्था ने की सिविल अस्पताल में अनेक उपयोगी सामग्री भेंट। इंजेक्शन के लिए अब नस खोजने में होगी आसानी। संस्था द्वारा मशीन सहित अनेक वस्तुओं की अस्पताल को सौगात। पिछले अनेक वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक बड़े नेत्र चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने वाली महिलाओं द्वारा संचालित दिव्य दृष्टि संस्था ने बढ़वा के सिविल हॉस्पिटल में अनेक अत्यावश्यक सामग्री भेंट कर यहां आने वाले मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की सौगात दी है। पिछले दिनों शासकीय सिविल अस्पताल में आयोजित इस समारोह की अध्यक्षता श्रीमती सरोज प्रेमचंद्र खींसरा ने की। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ओपी टैगर, समाज सेवी श्री प्रेमचंद्र खींसरा, पार्षद रजनी भंडारी एवं अस्पताल प्रभारी डॉक्टर इंगला मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कर रही संस्था की प्रमुख सदस्य श्रीमती पुष्पा शर्मा ने बताया कि नगर की बेटी ज्योति पगारिया के प्रयासों से प्रारंभ हुई यह संस्था पिछले अनेक दशकों से सेवा कार्य में अग्रणी है। आज भी संस्था द्वारा 2 व्हीलचेयर, 9 स्टील की कुर्सियां, 1 स्ट्रेचर एवं नस खोजने वाली मशीन सहित अनेक सामग्री भेंट की गई है। उन्होंने बताया कि संस्था को आगे बढ़ाने में रूपाली खिवसरा का भी योगदान रहा। संस्था की अध्यक्षता श्रीमती सरोज खिवसरा ने बताया कि 10 सितंबर को पीपल्यापाला बुजुर्ग में कर्ण चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि डॉक्टर टैगर ने बताया कि दिव्य दृष्टि संस्था स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के में हमेशा अग्रणी रही है। आज भी भेंट की जा रही है सामग्री मरीजों के लिए उपयोगी साबित होगी। इस अवसर पर पार्षद रजनी दिलीप भंडारी ने भी अस्पताल में एक पंखा भेंट किया। डॉक्टर इंगला के सहयोग के लिए संस्था का आभार माना। इस अवसर पर श्री प्रीतम सिंह भाटिया, दिलीप भंडारी, बाबूलाल महाजन, वरिष्ठ सदस्य शीला पगारिया, मधु पामेचा, श्रीमती भंडारी आदि अनेक सदस्य मौजूद थी। बढ़वा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट।